चले तो आज अब शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, कनेक्टिव। कल की क्लास में क्या पढ़ लिए थे अपन, इपिथीलियम। इपिथीलियम में 5-10 पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट अपने को पता होनी चाहिए। इपिथीलियम, इपिथीलियम कौन सा टिश्यू है बताओ, जो किसी सतह के कहां होंगे, ऊपर। अच्छा बताओ ये टिश्यू शब्द किसने दिया था, प्लांट के लिए ग्रीव दिया था, किसने दिया था, फादर ऑफ कौन है, हिस्टोलॉजी, बाइकॉट। कौन है, यही नाम याद रखेंगे, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, बाइकॉट। एक छोटा मोटा पॉइंट जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। कितने तरह के हमने टिश्यू पढ़ना है, 4 तरह के, एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एक कंप्लीट हो गया कौन, एपिथीलियम। 4-5 पॉइंट इसकी याद होनी चाहिए, फैलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, सिलिया वाले, ग्लैंडुलर वाले में, जहां ग्लैंड की चर्चा करेंगे वहां क्यूब, वहां क्यूब, वहां क्यूबॉइडल। सिंपल जो बनेगा वो अंदर वाले, कहां बनेंगे, अंदर। ये छोटी छोटी सी दिमाग लगा के आपको ध्यान में रखना है। अब हम टॉपिक जो शुरू करेंगे एपिथीलियम के बाद जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे कौन, पार्ट लेक्चर नंबर 2-3 होगा। कल तो 2 लेक्चर इसी में हो गए थे, आज 3 होंगे, और वो होगा कौन, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा नाम से ही पता है कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, संयुक्त। क्या है, संयुक्त है या संयोजी, एग्जैक्ट हिंदी इसका लिखना संयोजी उत्तक, संयुक्त ने, कौन सा उत्तक, संयोजी। और ये जो टिश्यू है ये पूरी शरीर को जोड़ने का काम करेगा, पूरे बॉडी को क्या करता है, आप लिखना छोटा सा, पूरे बॉडी को जोड़ने या कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। छोटा सा पॉइंट। अब कनेक्टिव टिश्यू के आपको उदाहरण समझ में आना चाहिए कि भाई कौन कौन है, जैसे एपिथीलियम बोला तो 4-5 नाम तुझे याद होना चाहिए। अरे यार इसमें 2 तरह के बनेंगे, एक सिंपल बनेगा, एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब एक लेयर वाले होंगे, स्ट्रेटिफाइड का मतलब 2 लेयर, 2-3-4-5 लेयर वाले होंगे, ठीक है। सिंपल के 3 भाग बनेंगे, कौन कौन, सिंपल, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर। स्ट्रेटिफाइड के 3 पार्ट बनेंगे, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर, बीच वाले सूडो, लास्ट वाले ग्लैंड। कम से कम इतना तो हो जाएंगे, 4 भाग में अपने आप विभाजित कर दिया। चले सेम इसी तरह से आपको समझना है अब कौन, अब हम समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले आपको 3-4 उदाहरण तो अपने दिमाग में आना चाहिए, कौन कौन है जो अपने शरीर को कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। तो गुरुजी ये हमारे शरीर को कनेक्ट करने वाले हैं कौन कौन, नाम लिख देता हूं। तो एक तो कनेक्ट करेगा ब्लड, दूसरा करेगा लिम्फ, LYMPH। अच्छा ब्लड और लिम्फ ये क्या होते हैं, नाम सुना, लिम्फ। सारे ब्लड में से ना केवल RBC को हटा लो तो वो क्या बनेगा, लिम्फ। पता है ब्लड में से किसको माइनस कर दो बताओ, RBC को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, LYMPH। इसकी अलग सिस्टम होते हैं शरीर में दौड़ने का, इसका अलग सिस्टम होता है, दोनों अलग अलग पाथ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, और कौन जोड़ता है बताओ, बोन। कौन जोड़ेगा, और कौन जोड़ेगा, कार्टिलेज। कौन जोड़ेगा, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, बोन, ये दोनों हम बचपन में एक ही समझते थे, पर दोनों क्या है, अलग अलग। अच्छा दोनों में कठोर कौन होगा, बोन। बोन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट हार्ड, एकदम हार्ड वाले बोन, एक होता है खोखला बोन जिसको स्पॉन्जी बोलते हैं, स्पॉन्जी। कभी मुर्गा उर्गा का लेग पीस खाए हो तो देखते ऐसे फूकोगे इधर से उधर पार दिखाई पड़ेंगे, तो ऊपर वाले जो पार्ट है ना, ऊपर वाले वो कॉम्पैक्ट है, उसको दांतों से तोड़ोगे तो कहीं दांत ही ना टूट जाए। बकरा उकरा वाला तो और नहीं टूटते हैं, उसको ऐसे फूक मारोगे तो इधर से उधर हवा पास हो जाए, पर उसमें देखा होगा ना छोटे छोटे, ऐसे लग रहा है ना कि जाली जैसा संरचना, हड्डी के अंदर जाली नुमा संरचना, वो स्पॉन्जी होते हैं, वो क्या कहलाता है, अब इस पर चर्चा करेंगे। अब ऐसे देखिए ये धीरे धीरे जाली 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 ऐसा दिख रहा है, अब ये कहां है, मेन हड्डी के पीछे वाले पार्ट दिख रहे हैं, आगे वाले अगर ये देखा जाए तो ये तो कठोर है, ये कॉम्पैक्ट। अब इसके नीचे आपको दिख रहा है ये कार्टिलेज, कानून, ये सब, नाक,
ये किसका उदाहरण है? कार्टिलेज का। किसका है? तो ये थोड़ी सी लिम्फ हो गया, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक फैट, ये भी किसका उदाहरण है बताओ? कनेक्टिव का। किसका है? तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें? कनेक्टिव के अंतर्गत। चलो अब हम इसके अंदर चल जाते हैं। अब पूछ लेगा तुझसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये किससे मिलकर बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ये किससे मिलकर बना होता है? तो इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन में अगर ये बना होता है तो देखो इसके अंदर कोशिका होते हैं। ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर बना रहता है? सेल से मिलकर बना होगा। इसके अंदर फाइबर होंगे, क्या होगा बताओ? यहां से प्रश्न पूछेगा, फाइबर को क्या बोलते हो? रेशा। फाइबर को क्या बोलते हैं? रेशा। कोशिका होगा, फाइबर होगा, और लास्ट में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, अधात्री। क्या बोलते हैं? अधात्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए एक कनेक्टिव टिश्यू के, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं? तो कोशिका टिश्यू है तो सेल होगा, फाइबर होते हैं, और क्या होते हैं? मैट्रिक्स। तो ये हम सारे चर्चा आपसे करने वाले हैं। कॉन्ड्रियोसाइट क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी अब शुरू करते हैं छोटी छोटी पार्ट। पहला पार्ट में अगर मैं बोलूं आपको इपिथेलियल का ओरिजिन बताओ, अब पीछे की भाग को हम रिवीजन करते चलेंगे। इपिथेलियम की ओरिजिन की बात करें तो गुरुजी ये ओरिजिन तीनों होंगे, एक्टो मेजो एंडो। एक्टो मेजो एंडो, एंडो में आपको याद कराया था एलिमेंट्री कैनाल, कौन सा? जिसे हम आहार नाल कहते हैं। क्या बोलते हो? आहार नाल। एक्टो में आपको एक याद रखना है न्यूरॉन वाला, क्या याद रखोगे? नर्वस सिस्टम। कौन सा? ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं। और मीजो में हमारा ज्यादातर आएगा कौन? मीजो। ज्यादातर अधिकांशतः हमारे उत्पत्ति कहां से होते हैं? मीजो। अब आते हैं इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये क्या है बताओ? मेसोडर्म। शरीर का लगभग 30% भाग अगर बोला जाए कौन सा ऊतक है, तो वो है दोस्त कनेक्टिव। कितना प्रतिशत? 30% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी। शरीर का 30% भाग अकेला कौन सा ऊतक बना रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। दूसरा, कीटाणुओं और रोगाणु विषैले पदार्थ को ये क्या करता है? नष्ट। जैसे ब्लड है, WBC है, आप जानते हो ये सब क्या करने वाले हैं? नष्ट करने का। मैक्रोफेग का नाम सुनोगे, फैगोसाइटोसिस नाम आपने सुना होगा, खाने वाला, पीने वाला, नष्ट करने वाला, ये सब सब कौन करेगा? यही सब सेल करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला था आपको कि एक कनेक्टिव टिश्यू है ऐसा, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के कोशिका पाए जाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो 10 मिनट, फिर कहानी बड़ा इजी लगेगा। इसमें कुछ ऐसा ऐसा क्या पाया जाएगा बताओ? फाइबर, अब खुद बोल दोगे, रेशे पाए जाएंगे गुरुजी, फाइबर पाया जाएगा, पढ़ेंगे अभी। और ये जो बीच में जगह रहेगा इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? तो तीन पॉइंट, सेल होगा, फाइबर होगा, और क्या होगा? ये बन गए कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू बन गया? कनेक्ट। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड फाइबर। इससे प्रश्न आते हैं कौन सी कोशिका का कार्य क्या है और कौन सा फाइबर पाए जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए यार कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। कोशिका पढ़ेंगे 5-7 कोशिका अच्छे अच्छे, उसके बाद फाइबर के बारे में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं इसे भरण ऊतक का कार्य करता है। भरण का मतलब फिलिंग। अब ये देखो, फिल करने का, फिल करने का मतलब जहां खाली है उसको क्या करेगा? भरने का काम। एग्जाम्पल ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज और कौन हो गया? फैट, बता चुका हूं। निम्न प्रकार के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। निम्न प्रकार के क्या होगा? प्रोटीन। और प्रोटीन जो होते हैं ना, ये फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर जो बने होते हैं ना, फाइबर बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन का। तो देखो इसमें ऐसे लिख दिया, आपके नोट्स में ऐसे लिखे हुए, घबराना मत, कि ये जो फाइबर होते हैं ये बने होते हैं किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। अब उस हम प्रोटीन का नाम हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन है गुरुजी, उसके बारे में जरा देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहला है कोलेजन, तो इसको लिख तो लोगे कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन।
उसके बाद इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन, और ये जाली है जिसको रेटिकुलेट कहते हैं, रेटिकुलेट प्रोटीन। कोलेजन लिख लेना आप एक बार, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लिख लें। ठीक है, ये ए है कोलेजन। मैं थोड़ा सा भी गलती होता है ना, मुझे पता लग जाता है कि मैं कहीं गड़बड़ लिखा। कोलेजन, इलास्टीन और कौन है, रेटिकुलेट। अब हम शुरू करते हैं देखो इसकी कहानी। एक दो पॉइंट मुझे जल्दी जल्दी बता दो। जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछ ले कि दो लाइन बोलो कनेक्टिव टिश्यू, तो तुम अपने मन से बोल सकते हो, यार ऐसा ऊतक जो शरीर को क्या कर रहा है, जोड़ने, यहां ब्लड है तुरंत यहां, यहां एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। इसके मुख्य कंपोनेंट बोला जाए तो गुरुजी इसमें सेल पाए जाएंगे, फाइबर पाया जाएगा और मैट्रिक्स पाया जाएगा। ठीक है, तीन पॉइंट। ये इसकी उत्पत्ति पूछा जाए तो मीजोडर्म से होते हैं, कहां से उत्पत्ति है बताओ। इसका उदाहरण पूछा जाए, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, फैट, ये सब किसका उदाहरण है बताओ, कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम बात करेंगे इसमें जो प्रोटीन है, सबसे पहला हम प्रोटीन पढ़ने वाले हैं दोस्त, जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। कौन है, कोलेजन प्रोटीन, आप लिख लो इसको, कोलेजन प्रोटीन। हिंदी इंग्लिश देखो, कोशिश तो मैं किया हूं कि आपको ये कर दूं एक। अब आपके एग्जाम में दो प्रश्न तो फिक्स आते हैं जो हम ऐसे ही रट लेंगे। एक तो पूछ लेगा टंडन क्या होता है, एक पूछता है लिगामेंट क्या होते हैं। ये हर एग्जाम का फिक्स प्रश्न है। बोन और बोन को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, लिगामेंट, अभी आपके एग्जाम में आया था। बोन टू बोन को जोड़ने वाले क्या कहलाता है, लिगामेंट। और बोन और मसल्स को जोड़ दे, बोन और मसल्स, बोन एंड मसल्स, BM, तो इसको हम बोलते हैं क्या, टंडन। तो टीबीएम जैसे याद रखना है, टीबीएम, TMB, TBM, तुम अपने एक ही का ट्रिक बनाना, एक का बना लेना, TBM, जैसे तुझे जोड़ना है एक ही बनाना, दूसरा मत ट्रिक बना लेना। TBM का मतलब टंडन जो होता है किसको जोड़ता है, बोन और मसल्स को। टंडन जो है वो किसको जोड़ रहा है, बोन और मसल, ये आते हैं। लिगामेंट जो है वो किसको जोड़ता है, बोन और बोन को। अब आप देख रहे हो ये क्या है, हड्डी, ये क्या है बताओ, हड्डी। और हड्डी है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मसल्स, क्या जुड़ा हुआ है, मसल। बोन और मसल्स जो जुड़ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टंडन। क्या बोलते हो, टंडन बाइंड्स मसल्स टू बोन, तो ये क्या कहलाता है, टंडन। अब ये लिगामेंट, लिगामेंट ये वाले लिगामेंट जो बीच बीच में ज्वाइंट के बीच होगा, हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला है, जैसे ये झुकते हैं तो इसके अंदर जो जुड़ाव आ रही है, ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, लग रहा है जैसे कोई बांध दिया है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलोगे, ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। कभी हम जब गिरते हैं तो जो एक्सरे करता है तो यही चेक करता है कि आपकी मसल्स का फाइबर टूटा है, ये क्या है एक्चुअल में जो दिख रहा है, ये फाइबर है। क्या है, दर्द इसमें भी आते हैं, फाइबर में खिंचाव के कारण भी क्या आते हैं, दर्द। टीचर मार देता है, पुलिस मारता है, तो क्या होते हैं, वो हड्डी थोड़े टूट जाते हैं रे, तो ये क्या है, इसके जो फाइबर है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या होते हैं, ब्रेक, तो इसमें भी दर्द आते हैं। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण भी मसल्स में क्या आते हैं, दर्द आते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट अपन बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी हमने दो पॉइंट पे डिस्कस किया। क्या किया बताओ, लिगामेंट जो होते हैं बोन टू बोन को जोड़ेगा, और टंडन जो होगा वो बोन एंड मसल्स को जोड़ने का काम करेगा। तो ये दो हमें स्टार लगा लेना, ये गलत मत कर देना, जैसे आपको जोड़ना है जोड़ लो। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, डबल स्टार से सम्मानित करें, मैक्सिमम प्रोटीन, मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन बॉडी, टाइप नहीं, मैक्सिमम प्रोटीन फाउंड इन बॉडी, ठीक है। कौन है बताओ, ये है कोलेजन, ये इंपॉर्टेंट। कोलेजन तंतु यानी कोलेजन फाइबर का निर्माण करने वाला कौन होता है, व्हाइट फाइबर, या कोलेजन जो होते हैं ये प्रोटीन कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है, या इसी को हम कहते हैं व्हाइट फाइबर, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या है, व्हाइट फाइबर, ध्यान रखना।
ये प्रोटीन कैसा होता है? अप्रत्यास्थ तंतु, यानी नॉन इलास्टिक। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक समझते हो? इलास्टिक किसे कहते हैं? जो खींचे और अपनी जगह पे आ जाए, खींचे अपनी, जैसे रबर खींचते हैं अपनी जगह पे आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक। और ये कैसा है बताओ? नॉन इलास्टिक। उदाहरण कौन है? टंडन। तो ये ध्यान रखना। चले आ गया, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट, इलास्टीन प्रोटीन। बताओ जो कोलेजन प्रोटीन पढ़ा वो इलास्टिक या नॉन इलास्टिक? नाम से ही पता है नॉन इलास्टिक होंगे। क्या होगा? और इसको हम कौन सा रेसे बोलते हैं? व्हाइट फाइबर। कौन सा रेसे? या पूछा जाए व्हाइट फाइबर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बोलोगे कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? और शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन भी है, तो कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा है? अच्छा, इसका उदाहरण हमने क्या बताया? टंडन। और टंडन क्या होते हैं बताओ? बोन और मसल्स को जोड़ने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? टंडन। तो अपने शरीर में देखो ज्यादा मांस और हड्डी, यहां जोड़ने का काम टंडन, और वहां जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है बताओ? कोलेजन। अब हम बात करेंगे इलास्टिन। ये पीले इलास्टिन तंतु का निर्माण करती है, यानी हम बोल सकते हैं एलो। और ये प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिक फाइबर, और इसको यही याद रखना, इलास्टिक फाइबर और एलो प्रोटीन। उधर हम क्या याद रखेंगे? एक ही लाइन में लिखोगे तो काम हो जाएगा। क्या उधर? इधर तो है इलास्टिक, इलास्टिक और कलर कैसा है बताओ? एलो। एक ही लाइन में काम हो गया। और उदाहरण क्या हो गया इसका बताओ? लिगामेंट। ले ज्यादा अपन करते ही नहीं, लिगामेंट ऐसे लिख लो, सेम एक लाइन उधर लिख दो। कोलेजन, नॉन इलास्टिक, व्हाइट, टंडन, ठीक है। चले, सर्वाधिक रासायन प्रतिरोध प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट है, केमिकल रेसिस्टेंट होता है ये, केमिकल रेसिस्टेंट। अब एक लाइन देखो, हिंदी लिखा रहता है तो अपन इंग्लिश कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में मैं ही पागल हो जाऊं। अब यहां लिगामेंट ये लिख देता हूं, लिगामेंट। धमनी क्या बोलते हैं? सिरा को क्या बोलते हैं? वेन। और धमनी को आर्टरी, आर्टरी, वेन, लिगामेंट, ये सब उदाहरण है। सब किसका? इलास्टिन प्रोटीन। नस से जाते हैं ना ब्लड, तो ये फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं, तो ध्यान रखना ये सब। चले आ गया, ये जो जुड़े हुए हैं ये वाले ध्यान रखना, हड्डी नहीं बोल रहा हूं, ये है लिगामेंट जो जोड़ रहा है किसको? बोन टू बोन को। ये नहीं तुझे लगे कि हड्डी फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं, उदाहरण में देखना ध्यान से। लिगामेंट है, क्या है? आर्टरी है और वेन। बताओ दो प्रोटीन आपने पढ़ लिया, प्रोटीन नहीं पढ़ रहे हो, कह सकते अपन फाइबर भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? तो दो फाइबर पढ़ लिए, एक तो व्हाइट फाइबर और एक येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर कौन सी प्रोटीन की बनी होती? कोलेजन। येलो फाइबर किसकी बनी होती है? इलास्टिन। व्हाइट जो होता है वो नॉन इलास्टिक होते हैं, और ये क्या होते हैं? इलास्टिक। उसका उदाहरण कौन था? टंडन। इसका उदाहरण कौन है? अब इसमें इलास्टिन से याद हो जाएगा लिगामेंट। देखो ये लिगामेंट, कभी हड्डी इधर आ जाते हैं तो सिकुड़ गया होगा, फिर वो क्या हो रहा है? फैल। इसको बोलते हैं सिकुड़ना। लिगामेंट अब जाके क्या हुआ होगा? सिकुड़ा होगा, ध्यान रखो। अब देखो मैं हड्डी को इधर कर रहा हूं तो इसमें खिंचाव आ रहे हैं, लिगामेंट में अब क्या आ रहा होगा बताओ? खिंचाव। अब लिगामेंट अगर ऐसे करूं तो अब वो क्या हो गया होगा? सिकुड़ गए होगा। ध्यान देना, उल्टा चल रही है मामला। इधर हाथ को तुम सिकुड़ रहे हो इधर, लेकिन लिगामेंट क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। अब देखो लिगामेंट दूर आ गया होगा, आ गया होगा ना। अब ऐसे किया हूं तो लिगामेंट यहाँ का क्या हो गया? ये ध्यान रखना, इन्हें कि हाथ सिकुड़ दिए, लिगामेंट सिकुड़ गया, लिगामेंट तो अब खिंचाव आ गए हैं उसमें। चले ऐसे, अब हम आते हैं आगे की कहानी। ये आपने समझ गया रसायन के प्रति प्रतिरोध, एकदम इंपॉर्टेंट, पढ़ते जाओ, दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थोड़ी सी टाइम लगे कोई बात नहीं, तेरे बदले मैं ही पढ़ रहा हूं, तू थोड़े पढ़ रहे हो। अब हम बात करेंगे, ये प्रोटीन आप देख लो कुछ इस तरह से, जैसे कोलेजन फाइबर। कोलेजन अब बोलू तो समझ में आ जाएगा, कोलेजन का मतलब
व्हाइट वाले व्हाइट फाइबर। तो ये जो उदाहरण आपको दिख रहा है मोटे मोटे वाले, ये सब मोटे मोटे वाले, ये वाले, ये सब सारे क्या कौन है बताओ? कोलेजन। कौन है? ये वाले, ये मोटका, ये सब मोटा मोटा वाले। अगर मैं इसको घेरा लगा दूं ऐसे, तो देखना अधिकांशतः भाग आपके कौन आ जाएंगे बताओ? कोलेजन। कौन आ जाएंगे? और यही तो आपने बताया कि शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। कंप्लीट हो गए ना पहली, अब इसको मिटा देता हूं, कोलेजन मिट गए। दूसरा है इलास्टिन। तो इलास्टिन वाले जो अगर मैं बात करूं इलास्टिन, तो इलास्टिन मैं अपने बनाने की कोशिश करता हूं आपको रेड ब्लैक से। तो ये इलास्टिन पतली वाले ये दिख रहे हैं, ये क्या है बताओ? ये इलास्टिन। ये क्या दिख रहा है? इलास्टिन। ये छोटे छोटे वाले क्या दिख रहा है? इलास्टिन। अब हम बात करेंगे कौन? फाइब्रोब्लास्ट का। ये जो ऐसा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इस टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्टिन। क्या है ये? फाइब्रोब्लास्टिन। जालीय रेटिकुलेट प्रोटीन, रेटिकुलेट प्रोटीन, ये प्रोटीन रेशे का निर्माण करती है, जाल बनाने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए इम्ब्रियो, प्लीहा को क्या बोलते हो? स्प्लीन। लसिका गांठ को क्या बोलते हो बताओ? लिम्फ, LYMPH, लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं इसको? लिम्फ नोड। तो ये ध्यान रख लो, इसमें पाए जाते हैं अपने कौन? ज्यादा पाया जाता है रेटिकुलेट। कम ही जगह आते हैं रेटिकुलेट। अपन दो याद रखेंगे, कोलेजन और एलो वाले, कोलेजन और एलो। बस आगे बढ़ जाता हूं। अब हम आज शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बताओ? अब कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे शिथिल संयोजी उत्तक। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये कितने तरह के हैं? मैं थोड़ा सा आपको एक समरी बना दूं, आप मेरे साथ लिख लोगे तो अच्छी बात है। जल्दी जल्दी से आप लिख लो, जैसे आपने कल बनाया ना वैसा ही मैं बना लेता हूं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। अब ये किस तरह से हम पढ़ेंगे उसको बना लेते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको सीटी कर देता हूं। एक पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक पढ़ेंगे स्पेशल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हिंदी में बोलते विशिष्ट संयोजी उत्तक, इसको हम सघन संयोजी उत्तक, और ये हो गया विरल या शिथिल ठीक है। इसके दो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको एडिपोज को बसिए संयोजी उत्तक कहते हैं। अंतराली संयोजी उत्तक, इसी का दो भाग हम और पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा आ रहा है, व्हाइट फैट सफेद वसा, और ब्राउन फैट भूरा, ये सफेद वसा, ये भूरी भूरा और ये सफेद। उसके बाद विशिष्ट में हम पढ़ेंगे दो तरह के, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
ऐसे बनाने से ना तुझे आइडिया एक मिल जाएगा। इसमें हम पढ़ लेंगे ब्लड, लिम्फ के बारे में, ब्लड लिम्फ, और इसमें हम पढ़ेंगे बोन और कार्टिलेज के बारे में। चल इतना लिखो, फिर अपन डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ये एक समरी फॉर्म आपको बन गया कि भाई इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि। इसको उपास्थि, इसको रक्त, इसको लसिका, चले आगे कर दिए। लसिका, रक्त, उपास्थि, अस्थि। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? कंकालीय। ये देखो नहीं लिखा तो, कंकालीय, कंकालीय संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। और इसको फ्लूइड वाले को तरल संयोजी उत्तक। हम अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करते हैं आपको संतुष्ट करने का, हालांकि संतुष्टि तो होती नहीं है किसी को। चले आ गया। अरे अब तो लिखा, अब इसको सेव करूंगा नहीं तो फिर भूल जाऊंगा मैं, पूरा हिंदी है। अंतराली संयोग। अच्छा अब बताओ, नाम से तुझे कुछ तो दिख रहा होगा। अरे गुरुजी, अरे ये लिख लिया पहले, बड़ा स्लो प्रोसेस है। देखो एग्जाम में अभी क्या आया हुआ है, तुम खुद बता दोगे। था निम्नलिखित में से कार्टिलेज कौन सा उत्तक का उदाहरण है? एकदम इजी प्रश्न था, ऊपर से था। इपिथीलियम है, सिंपल प्रश्न। कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस है, तो क्या हो जाता? कनेक्टिव किसकी है? अगर कनेक्टिव में भी प्रश्न पूछ लेता कि बताओ वो किसका उदाहरण है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, लूज, डेंस, स्केलेटन, फ्लूइड। चार ऑप्शन बन जाएंगे। कौन कौन? लूज, डेंस, स्केलेटन और फ्लूइड। पकड़ लोगे किसका है? स्केलेटन। ये ऐसे लिखने से आधा प्रश्न तो हमारे इसी बोर्ड से बन जाएंगे। दूसरा, फ्लूइड वाले बार बार पूछता है, तुम एग्जाम में निकाल लेना ये कितनी बार पूछा हुआ है, देख लेना। ब्लड किसका उदाहरण है? तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक तो है, इपिथिलियल है ना, संयोजी है हाँ, संयोजी में भी कौन है? तरल। तो ये जो ऐसे फ्लो डायग्राम जो बना देता हूं ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। चलिए अब आगे, अब शुरू करूं कहानी। तो कल भी हमने यही किया था, सबसे पहले एपिथीलियम का एक फ्लो डायग्राम मन में बनाया। अब हम शुरू करेंगे टॉपिक को, नाम से ही पढ़ते हैं। पहला नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये, इसका कनेक्टिविटी कैसा होगा, संयोजी कैसा होगा, लूज। अच्छा ज्यादा हार्ड कौन होगा, ज्यादा कनेक्शन किसमें होगा? जिसमें फाइबर ना ज्यादा हो, इधर उधर से सबसे तंतु आके जुड़ा हुआ हो,
तो वो कैसा हो जाएगा? टाइट। वो कैसा हो जाएगा? या हम बोल सकते हैं वो होगा सघन, डेंस होगा। तो इसी के आधार पे इसको हम वर्गीकृत कर देते हैं। जो लूज होते हैं ना, तो इसमें आप लिख सकते हो, जो लूज होते हैं ना गुरुजी, इसमें फाइबर जो होगा, फाइबर इसकी मात्रा क्या होगी बताओ? ज्यादा। सॉरी, फाइबर क्या होगा? कम। फाइबर कम। और इसका उल्टा जो मैट्रिक्स होंगे, अधात्री होगा, वो क्या होगा? ज्यादा। ये आप ध्यान रखना। इसी का वर्गीकरण इधर, तो डेंस जो होंगे, तो डेंस में क्या लिखोगे? डेंस में फाइबर जो होगा ये क्या होगा? ज्यादा। और मैट्रिक्स जो होंगे ये क्या होगा? कम। ये दो पॉइंट बस। एक यहां से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ज्यादा होते हैं, तो वो आप बात कर लोगे। लूज में क्या है? फाइबर कम, और डेंस में फाइबर ज्यादा। हो गए। अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात करेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलो भाई शुरू करता हूं। अब संयोजी ऊतक में हम सबसे पहला जो बात करेंगे उसका नाम क्या है? लूज। अब बताओ लूज का आपने कितने भाग बना दिया? जल्दी जल्दी बनाओ। अरे यार गुरुजी, लूज का तो हमने दो पार्ट बनाया था। कौन कौन बनाया? अब आपको याद होगा, लूज का हमने एक तो एरियोलर और दूसरा एडिपोज। याद आ गया? कौन कौन हमने बताया? एरियोलर और दूसरा एडिपोज। एरियोलर को ना हिंदी में कहते अंतराली, अंतराली संयोजी ऊतक। स छूट गया तेरा। अंतराली संयोजी ऊतक एरियोलर टिश्यू, और दूसरा है वसीय संयोजी ऊतक। वसीय का मतलब एडिपोज। कौन सा बात करेंगे? अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ये आपको डिफरेंट टाइप का हमने सेल दिखाया। ये एक देखो एरियोलर टिश्यू है। अरे एरियोलर हो या कोई भी हो, है कौन? संयोजी। संयोजी ऊतक के तीन पार्ट आपको याद होना चाहिए। एक तो इसमें कोशिका होगा गुरुजी, दूसरा इसमें क्या होगा? फाइबर होगा, और तीसरा क्या होगा? ये सही समझ रहे हो या नहीं? लास्ट में इसकी समरी भी आएगी। तो देखो मैक्रोफेग ये कोशिका है, स्पेशल टाइप की कोशिका पढ़ेंगे। मैट्रिक्स समझ में आ रही है कुछ बातें? फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, एलो फाइबर समझ में आ रही है? ये किसकी बात कर दिया हमने? फाइबर की। ये किसकी बात किया? ये फाइबर। और ये है मास्ट सेल, मैक्रोफेग सेल, ये सब सेल। तो तीनों बातें संतुष्ट हो रहे हो? कोशिका है, फाइबर है, मैट्रिक्स है या नहीं? अब हम टॉपिक शुरू करें। और ये दूसरा जो हम सेल पढ़ रहे हैं एडिपोसाइट, यानी एडिपोज का मतलब ही होता है क्या? एडिपोज का मतलब वसा। कौन से ऊतक की बात करेंगे? तो वो वसा वाले देख लो, सेल चिपचिपा दिख रहा है। ये किसका देख रहे हैं? एरियोलर। एरियोलर को बोलते हैं अंतराली, यानी सारे बिखरे बिखरे। कैसा है बताओ? बिखरे बिखरे। तो ये इसकी बात करेंगे। अब एक एक हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला इसको और हिंदी में देखो, अवकाशी। दो बुक से लिया हिंदी, दो शब्द आ गए। कौन कौन? अवकाशी। और जो एग्जाम में बनाएगा ना, वो ना तो अंतराली लिखेगा ना अवकाशी लिखेगा, वो लिख देगा एरियोलर। तीन शब्द सच में हमें याद करना पड़ता है देखो हिंदी वाले, क्योंकि किसी को ना एग्जैक्ट हिंदी मजा ही नहीं आ रहे हैं। गूगल से ट्रांसलेट करता है, जहां जो मन में वो छाप देता है। हम लोग भी तो भाई पढ़ के ही पढ़ा रहा हूं। हम भी किसी न किसी बुक से देखते हैं, एलन से देखा अंतराली, कोई और बुक है अवकाशी, कोई और आ जाए एरियोलर। तो आप एक ही याद रखना भाई, कौन? इंग्लिश वाले इसलिए मजे लेते रहते हैं, वो ऐसे मुस्कुराते रहे। तुम कितना भी याद करो, तुम हमसे तीन गुना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुझे। एक तो अंतराली करोगे, फिर अवकाशी करोगे, अल्टीमेट आना तो यही है एरियोलर में। चलो अब अपनी बात करते हैं। शरीर की संयोजी ऊतक में अपेक्षाकृत सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? संयोजी ऊतक में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो वो कौन है? एरियोलर। ये ध्यान रखोगे, शरीर की संयोजी ऊतक में सबसे अधिक कौन सा है? एरियोलर। सबसे ज्यादा फाइबर अगर पूछा जाए, ये भी लिख देता हूं, शरीर में सबसे ज्यादा फाइबर कोलेजन।
बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात किए, सीटी की बात किया तो कौन है एरियोलर, फाइबर की बात किया तो कौन है कोलेजन। निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अभी मैंने आपको दिखा दिया था पीछे, तो उसमें आपने दो दिखा था, यहां हम कुछ बात कर लेते हैं इन कोशिकाओं का। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फाउंड इन एरियोलर टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किसमें पाया जा रहा है बताओ, एरियोलर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सबसे पहला नाम है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। आप एक बार नाम लिखो केवल, ये सब कोशिकाओं पाई जाती है किसमें, एरियोलर टिश्यू में, तंतुओं का निर्माण करती है ये फाइब्रोब्लास्ट, नाम से ही है ब्लास्ट, किसका करेगा फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। सबसे पहला जो फाइब्रिनो फाइब्रोब्लास्ट है ये जो करता है किसका निर्माण करता है फाइबर का, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाएगा, फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएगा फाइबर। प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, एंटीबॉडी अंडरलाइन केवल करो, एंटीबॉडी कौन बना रहा है प्लाज्मा सेल। इसका जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस पूछा गया है, बैलगाड़ी के पहिए, व्हील कार्ड से, क्या है ये व्हील कार्ड से बताओ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा है इसका व्हील कार्ड, ये याद रखोगे बैलगाड़ी के पहिए के समान। ये सब चीज तो तुम कभी नहीं बोलोगे, इसमें तो तुम नंबर वन हो, याद करोगे फटाफट। एंटीबॉडी का निर्माण कौन है प्लाज, इसमें एंटीबॉडी नहीं आएगा, इसके लिए अगर याद रखना है तो ये बैलगाड़ी की पहिए के जैसा केंद्रक, ये फाइब्रोब्लास्ट सबको याद है कि फाइबर का निर्माण करेगा। बॉडी में सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो कौन है बताओ एरियोलर, और फाइबर में बात करें तो वो कोलेजन। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा उसकी बात कर लेते हैं, देखो क्या क्या है। लिम्फोसाइट कोशिका, LYMPHO लिम्फोसाइट, और इससे एक ही प्रश्न बनेगा, लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं ना ये सबसे ज्यादा बनाता है एंटीबॉडी, तो ये याद रखना मैक्सिमम एंटीबॉडी अगर फॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो वो कौन सी सेल से होता है, तो वो होता है लिम्फो साइट। स्टार लगा दिए, अभी तक तो हमें लिम्फोसाइट से एक पॉइंट मिला। प्लाज्मा सेल की न्यूक्लियस कैसा है बताओ, बैलगाड़ी के पहिए के जैसा, बस। अच्छा ये जो सेल पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हो, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में विभिन्न तरह के कोशिकाएं पाए जाएंगे, गुरुजी आपने पहले बता दिया, विभिन्न तरह के फाइबर पाया जाएगा पहले बता दिया, और बीच वाला जो पार्ट होंगे उसको अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ अधात्री। अब जो हम सेल पढ़ रहे हैं ना उसका नाम क्या है, मास्ट सेल, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा फाइबर के बारे में, और किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कोशिका के बारे में, मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल है ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सिक्रीट हिस्टामिन। अरे सर ये कुछ कुछ सुना सुना शब्द लग रहा है मुझे, हिस्टामिन कहां सुने हैं, ब्लड में पढ़ा था, बिल्कुल इतना तो दिमाग में आना चाहिए, ब्लड में पढ़ा था, और ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी में पढ़ा होगा, डब्ल्यूबीसी के दो भाग बनाए होंगे, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, उसके बाद ग्रेनुलोसाइट का आपने दो पार्ट पढ़ा होगा, एक ग्रेनुलोसाइट का तीन पार्ट पढ़ा होगा, एसिडोफिल्स बेसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स, और यहां न्यूट्रोफिल्स और एक मोनोसाइट, ऐसे करके पांच पार्ट बने होंगे, इस तरह से आपने पढ़ाई किया होगा। बेसोफिल कोशिका की संयोजी उत्तक में कौन सी मास्ट कोशिका होते हैं, या कह सकते हैं मास्ट कोशिका कहते हैं, किसको कहते हैं बेसोफिल कोशिका को। इनका केंद्रक जो होता है बीन सेल, आप केवल याद रखना है जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल ये डब्ल्यूबीसी के कौन सा बेसोफिल,
बेसोफिल सेल। और ये जो बेसोफिल सेल है ना, ये कब एक्टिव हो जाता है? एक्टिव हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एलर्जी। एलर्जी PHYLL बेसोफिल कर दिए। मास्ट सेल सिक्रीट क्या करेगा? हिस्टामिन। ये मास्ट सेल क्या है? बेसोफिल कोशिकाओं को ही क्या बोलते हैं? मास्ट सेल किसका पार्ट है? WBC का। और ये कब एक्टिव हो जाते हैं? जब बॉडी में क्या हो जाता है? एलर्जी। क्या होगा? एलर्जी। चले आ गया, एलर्जी उलर्जी याद रखना। जालीदार रेटिकुलेट कोशिका क्या करेगा? जाल का निर्माण करेगा। रेटिकुलेट सेल क्या करेगा? जाल का निर्माण। अब मुझे बताओ दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेटवर्क लाइक संरचना कौन बनाएगा? रेटिकुलेट। अब हम बात करते हैं मास्ट सेल कब एक्टिव होगा? एलर्जी में। किसका पार्ट कौन सा सिक्रीट करेगा? हिस्टामिन। लिम्फोसाइट किसका निर्माण करेगा? सर्वाधिक एंटीबॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्लाज्मा सेल जो होते हैं उसका न्यूक्लियस कैसा है? बैलगाड़ी के पहियों के जैसा। फाइब्रोब्लास्ट किसका निर्माण करेगा? जो बताओ, फाइबर का। किसका है? फाइबर का। और ये हमने एरियोलर करा दिया। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, क्रोमेटोफोर कोशिका। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर ये एक अलग कोशिका है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। क्रोमेटोफोर सेल, ये जानते हो आंख और त्वचा का वर्णक बनाती है, ये पिगमेंट फॉर्मेशन करता है। पिगमेंट फॉर्मेशन किसका किसका जानते हो? आई और स्किन। आई और स्किन का पिगमेंट फॉर्मेशन करते हैं। नाम सही है, क्रोमेटो। क्रोमेटो का मतलब ही आ जाएगा कलर वाले, रिलेटेड किससे है? कलर से। तो यहां थोड़ा बहुत आप ध्यान करके ऑप्शन टिक कर सकते हो, क्रोमेटो। चले आ गया। अब इसमें एक और दो कोशिका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कोशिका से आ जाएगा। अपमार्जक लिखा हुआ है इंग्लिश में, स्केवेंजर। हिस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज को बोलते हैं भक्षाणु कोशिकाएं, यानी ये क्या करेगा? भक्षण करने वाला, खाना पीने वाला। ये ध्यान रखना, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब ये भक्षण करने वाले ही अलग अलग है, जो खाने पीने का काम कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? अपमार्जक, स्कैवेंजर। ये आएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ये सब कुछ नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैक्रोफेज है? सब इसी को टिक करेगा, ये भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। पहला मोनोसाइट बता दिया हूं, WBC की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी WBC का वो कौन है? मोनोसाइट। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में WBC में पाया जाता है न्यूक्लियोफिल्स। कौन है? न्यूक्लियोफिल्स। एलर्जी के समय कौन है? बेसोफिल्स। अभी तो आपने बोला एलर्जी के समय कौन है? बेसोफिल्स। ये थोड़ी थोड़ी सी बात, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण करने में, एंटीबॉडी निर्माण करने में कौन है? लिम्फोसाइट। तो ये ध्यान होनी चाहिए। डस्ट कोशिका, डस्ट सेल। अरे ये तो लिख लोगे मोनोसाइट, अंग्रेज लोग। मोनोसाइट कहां पाया जाएगा बताओ? WBC में। डस्ट कोशिका DUST, डस्ट सेल फेफड़े में, लंग्स में। केवल याद रखना है कहां पाया जाता है, कल मैंने याद कराया था। पोडोसाइट कहां पाया जाता है? आपको बस इतना ही याद होनी चाहिए, पोडोसाइट वोमेंस कैप्सूल में। वोमेंस कैप्सूल किसका भाग है? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन किसका यूनिट है? किडनी का। किडनी का मुख्य कार्य कहां है? उत्सर्जन में। कहां? इतनी छोटी छोटी तो पॉइंट याद होनी चाहिए। कुफर, इसको कफर सेल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तीन चार स्टार लगा ले, तीन चार स्टार लगा लो, ये लीवर में पाया जाता है। कृष्णा धनाधन, कफर सेल। इसको कुफर लिखा हुआ है लेकिन कफर सेल। क्या बोलोगे आप? कफर सेल, कफर सेल लीवर में। मोनोसाइट WBC में, डस्ट लंग्स में। माइक्रोगिलियल सेल, देखो ये जब भी आ जाए ना, गिलिया। आपको मैं बताऊं,
ये ग्लियल सेल में ही होता है कैंसर। ये एक एग्जाम में ना बड़ा अच्छा आरपीएससी का एग्जाम था, उसमें पूछा गया मस्तिष्क के दो पार्ट आप पढ़ते हो, या दो तरह के कोशिका इसमें पाई जाती है, तो ये जो ग्लियल कोशिका होते हैं ना उसमें होता है मस्तिष्क का कैंसर। तो याद रखोगे माइक्रो ग्लियल, ग्लियल से याद हो जाएगा ये ग्लियल, ग्लियल ग्लियल शब्द किसके लिए है, ये मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क को ब्रेन। अब यहां जगह कम है आप लिख लो माइक्रो ग्लियल, कैंसर काउज होते हैं इसमें, माइक्रो ग्लियल। एक दो पॉइंट तो लिखो आप खुद से। एस्ट्रासाइट, 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 एस्ट्रासाइट मेरु रज्जू को समझते हो क्या है, मेरु रज्जू, मेरु रज्जू नहीं जानते हो, स्पाइनल कॉर्ड नाम नहीं सुना, स्पाइनल कॉर्ड उसमें पाया जाता है एस्ट्रासाइट। स्प्लेनोन कोशिका प्लीहा में पाया जाता है, स्प्लीन में, स्प्लीन में। चले आ गया, ये स्पाइनल कॉर्ड कहां होते हैं, पीछे होते हैं ना, ये ब्रेन है, देखो ये ब्रेन है ना, तो अकेला ब्रेन से इतनी लंबी लंबी न्यूरॉन सब जगह जाना मुश्किल, तो पीछे ना भगवान एक बड़का सा डंडा जोड़ दिया है, किससे, ब्रेन से, और उसमें से अलग अलग तरह के धागे निकाल दिए हैं, वो बड़का लाइन ऐसे दिए हैं, पीछे नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा, और उसमें वायरिंग किया हुआ है, तार निकाला गया है, पीछे ऐसे आ रहा है, कुछ तार ऐसे घूम के फेफड़े में आ रहा होगा, कुछ लंग्स में आ रहा होगा, कुछ किडनी में आ रहा होगा, किडनी में कुछ हलचल होगा, तो वो दिमाग को कौन बताएगा, अरे पागल इतनी बड़ी न्यूरॉन थोड़े है, तो वो वायरिंग किया हुआ है सिस्टम एकदम पूरे बढ़िया से सब, और सारा वायरिंग कहाँ है बताओ, स्पाइनल कॉर्ड में। ये तार जोड़कर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको तो देता है मैसेज, देखता होगा एक ना नस, केवल नस बोल रहा हूं, ये कॉर्ड है, ये बड़की वाली मान लिया जाए मेरु रज्जू है, इससे ये छोटा छोटा लाइनिंग निकले हुए है, निकले हुए है ना, यही तो पूरी शरीर में जा रहा होगा, इसमें एक ये जो ऐसे होते हैं बाल के जैसा, एकदम पतली बाल के जैसा, एक भी दब गया ना तो तेरे खेल खत्म, मान लिया जाए हर्ट वाले दब गया, जो हर्ट में जा रहा होगा ना, ये एक मान लिया जाए वेगस, अभी पढ़ाऊंगा आपको, वेगस 10 नंबर पे है, वेगस ये हर्ट को कंट्रोल कर रहा है, अब यही बंद हो जाए दब जाए तो हर्ट में पंपिंग वम्पिंग सब रुक जाएगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा पंप करना है या नहीं करना है, बस तो तेरी सेवाएं ऐसी समाप्त। तो एक एक नस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम। अभी हमें यहां बताओ मैक्रोफेग खाने पीने वाले कौन है बताओ, मोनोसाइट, बच्छन उच्छन करेगा, नष्ट करेगा, दूसरी कोशिका को देख लेगा, उसको खाने का काम करेगा, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मोनोसाइट, या कह सकते हो डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार है जिसका नाम क्या है, मोनोसाइट, पाया जाना क्या बोलना, डस्ट फेफड़े में पाया जाएगा, कफर सेल लीवर में, बहुत इंपॉर्टेंट कौन, कफर, माइक्रो ग्लियल सेल ये कहां, ब्रेन में, ग्लियल सेल में कैंसर होता है, माइक्रो ग्लियल तो खाने पीने वाला है, अरे यार कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, GLIAL, ग्लियल सेल में क्या होगा, कैंसर। एस्ट्रासाइट कहां है, मेरुरज्जी, स्पाइनल कॉर्ड में, स्प्लेनस तो ये प्लीहा, स्प्लीन ये ऐसे अंग्रेज लोग याद कर लेगा, स्प्लीन स्प्लेनस, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टिश्यू, इसका बात करेंगे, छोटी सी बात है जिसका नाम क्या है, एडिपोज, एडिपोज, एडिपोज का मतलब वसा। एक ही प्रश्न पूछता है आपको, जो ऊंट होते हैं ना इसका हब यानी कूबड़ में कौन सा वसा, तो ये याद रखोगे एडिपोज, कौन सा है, एडिपोज, तो शरीर की आकृति। अच्छा ये वसा है जो क्या काम करेगा बताओ, फैट, फैट जो है ये क्या काम करेगा, एक दो पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ, एक तो प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्शन, एक तो आकृति देगा, शेप देगा आपको अच्छा सा, दूसरा सुंदरता बढ़ाएगा आपको, ब्यूटिफिकेशन, मरे जैसे रहोगे तो देखेंगे हवा में उड़ जाएगा ऐसे बोलते हैं लोग, ज्यादा मोटा हो गया तो भी दिक्कत, कम मोटा है तो भी दिक्कत, आदमी को बीच बीच में रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, शेप और ब्यूटिफिकेशन,
सुंदरता देगा। मरे से आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं, थोड़ा सा खाए पिए होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वसा होते हैं ना सर्दियों से बचाते हैं, किससे बचाते हैं बताओ, सर्दी से क्या करेगा बचाव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्दी से बचाव कैसे याद रखेंगे, लेदर के जैकेट चमड़े का पहनते हैं ना, तो वो सर्दियों से बचाव ऐसे याद रखेंगे, ये सर्दियों से बचाव। हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है, देखो जितना ज्यादा जो वसा होगा जिसके ऊपर फैट होंगे उसको सर्दी क्या लगेगा, ज्यादा या कम, कम लगेंगे, क्योंकि वो एक किसका काम कर रहा है बताओ, कवर का, किसका काम, कवर का, वो गर्मियों का क्या कर रहा है, रोकने का काम। ये सब छोटी मोटी पॉइंट है। शरीर के तापमान, ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, नियंत्रण, और ऊर्जा का क्या है, भंडारण। यानी कि अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अरे यार ये तो मजे आ रहे हैं, टेम्परेचर को क्या करेगा, कंट्रोल, और स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब ये उधर भी वीडियो चल रहे होंगे ऑनलाइन, चलने दे भाई। छोटी सी अब बात करेंगे, दो तरह की वसा हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन, एक को व्हाइट और दूसरा ब्राउन, एक तो व्हाइट और दूसरा क्या है, ब्राउन। बंद कर दो थोड़ा देर, लो तुम